शिवराज सरकार मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। बुधवार को विधानसभा में इसी को लेकर बजट पेश किया गया, जिसकी अनुमानित लागत 2,79,237 करोड़ रुपए बताई गई। श्री जगदीश देवड़ा जी को हार्दिक बधाई देता हूं। आज मध्य प्रदेश विधानसभा में ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया गया है। यह हर प्रदेशवासी के लिए गौरव का विषय है कि करंट रेट पर मध्य प्रदेश की विकास दर इस साल 19.7% से भी अधिक है और ये देश के सभी राज्यों से, जिसमें 55,511 करोड़ का राजकीय घाटा दर्शाया गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में बजट पेश किया। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने भी मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने वाला आज यह बजट प्रस्तुत हुआ है। यह बड़ा दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट आज प्रस्तुत हुआ है, जनहित का बजट, जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप सभी वर्गों का इसमें विशेष तौर से ध्यान रखा है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा, विशेष तौर से चाइल्ड बजट, सारी बातों का समावेश करते हुए आज ये बजट प्रस्तुत हुआ है। इस दौरान कांग्रेस ने इसका जमकर विरोध किया और आसंदी का घेराव किया। बाद में मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जीडीपी को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश से जोड़कर देखा है तो विपक्ष ने कहा कि शिव सरकार के राज में दारू सस्ती, तेल महंगा, किसान परेशान और युवा बेरोजगार है। आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में माननीय वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी द्वारा 2022-23 का बजट पेश किया गया, जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के सपनों को साकार करने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनते हुए, चहुंमुखी विकास करते हुए, देश में सर्वाधिक घरेलू उत्पाद विकास दर में अव्वल है। इस सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है 46.57%, जिसमें फसल क्षेत्र का योगदान 32.8% है, जो सर्वाधिक है। मैं अपने किसान भाइयों को बधाई देता हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश और देश के विकास में अपना खून पसीना बहाकर इतना फसल उत्पादन किया कि हम मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में नंबर 1 है। इसलिए मैं किसान भाइयों और मजदूरों भाइयों को, जिन्होंने खून पसीना बहाया, रात दिन मेहनत करके इतना फसल उत्पादन की जो आज हम नंबर 1 स्थान पर आए, उसके लिए उनको बधाई देता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2022-23 का अनुमानित बजट पेश किया है। इस बजट को सरकार ने जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा बजट बताया है। ये बजट महिलाओं के उत्थान का भी बजट है। लाडली लक्ष्मी योजना 1400 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान, आजीविका मिशन अद्भुत काम कर रहा है, बहनों की आजीविका के लिए प्रावधान, संबल योजना के लिए फिर से बड़ा प्रावधान किया गया है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना फिर से चालू होगी, महिला उद्यमियों को लिए भी विशेष सुविधाएं दी जा रही है। ये महिलाओं के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का बजट है। सीएम शिवराज सिंह सहित वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और कृषि मंत्री कमल पटेल ने बजट को विकास उन्मुखी बताया है। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इन 22 महीनों में हमने किसानों के लिए 1,72,000 करोड़ रुपए उनके खातों में डाले विभिन्न योजनाओं में। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है और देश में नंबर 1 स्थान पर है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का पुनः अभिनंदन करता हूं, जगदीश देवड़ा जी का बधाई देता हूं कि उन्होंने 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगाया और मध्य प्रदेश के विकास में एक छलांग लगाई है। इस बजट से मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ेगा, छलांग लगाकर देश में नंबर 1 स्थान पर पहुंचेगा। उधर सदन में बजट पेश किए जाने के दौरान कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा किया। बजट के दौरान कांग्रेस ने सरकार की नीतियों के विरोध में आसंदी का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। बाद में मीडिया से चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने इसे किसान और युवाओं के साथ छलावा करार दिया है। प्रावधान बनाना बहुत सरल है, इसका क्रियान्वयन क्या होगा? क्या ये बता सकते हैं कि कितने नौजवानों को रोजगार मिलेगा? आज छात्रावास की क्या हालत है? आज जो फीस देने की बात है उसका क्या हालत है? सब जगह बिजली के बिल की क्या हालत है? इन सब बातों में कोई जिक्र नहीं। हर वर्ग मध्य प्रदेश का आज परेशान है और इस बजट से और परेशान होगा।
वहीं एक अन्य पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने इसे जनता पर बढ़ते कर्ज के बोझ के बाद विकास की बात करना बेमानी करार दिया। कि नौजवान खुशहाल हो और वो पीठ थपथपाए, वो खुशहाली जाहिर करे, तब सरकार को खुश होना चाहिए। सरकार अपने आप खुशहाली जाहिर कर रही है, सरकार पूरी तरह से मतमुग्ध है, किसी को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है, लूट खसोट मची हुई है, कुछ भी नहीं है बजट में। बजट सिर्फ झूठे आंकड़ों की जादूगरी है, नया कुछ भी नहीं है। और ये करोड़ों रुपए का जो प्रावधान करते हैं, ये जाता कहाँ है, इस पे चिंता करने की आवश्यकता है। सरकार को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, मध्य प्रदेश की जनता इस बार इनको जवाब देगी। भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा आ गया है, उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इस दिशा में जो GDP के आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के प्रतीक है। कि प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद जो GSDP है, वो प्रचलित दरों पर वर्ष 2021 की तुलना में 2021-22 में 19.74% रही है। अब तक जितने प्रदेशों का जानकारी जो वेबसाइट पर है, उनमें यह सर्वाधिक है मध्य प्रदेश का। और इस दिशा में हमारी अर्थव्यवस्था 11.50 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की हो गई है मध्य प्रदेश के अंदर। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए विशेष बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। विधानसभा में इस दौरान संसदीय उत्कृष्टता सम्मान हुआ। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बेहतर काम करने वाले विधायकों को सम्मानित किया। उधर इस समिति से जुड़े कांग्रेस के सीनियर लीडर गोविंद सिंह ने नेता प्रतिपक्ष का नाम न होने पर नाराजगी जताते हुए समिति से इस्तीफा दे दिया। इसके चलते कई कांग्रेस सदस्यों ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम भी मौजूद रहे। गुरुवार को बजट सत्र के दौरान विपक्ष और पक्ष के सदस्य बजट पर अपनी राय रखेंगे। इस बीच अध्यक्ष गिरीश गौतम ने दोपहर बाद विधानसभा को गुरुवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया। बाग सेवनी इलाके में एक युवती से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी ने न केवल युवती का शारीरिक शोषण किया, बल्कि परीक्षा दिलाने के नाम पर यहाँ वहाँ घुमाता रहा और 2 लाख रुपए भी ठग ली। पुलिस के मुताबिक युवती बाग सेवनी क्षेत्र में टिफिन सेंटर चलाने का काम करती है। उसने पुलिस को आवेदन देते हुए बताया कि पुरुषोत्तम नाम के युवक ने आंगनबाड़ी में नौकरी लगाने के नाम पर न केवल शारीरिक शोषण किया, बल्कि उससे रुपये भी ऐंठ लिए। इसमें पुलिस पूछताछ कर रही है आरोपियों से भी कि अगर कोई अन्य व्यक्ति को भी इन्होंने इस प्रकार झांसे में लिया हो या राशि प्राप्त की हो या कोई अन्य घटनाक्रम हो, ये पूछताछ में सामने आ पाएगा कि किस प्रकार से ये षड्यंत्र पूर्वक या किस नौकरी का ये झांसा देते थे और अपने इसमें दोनों जो आरोपी हैं किन किन लोगों के साथ में, अन्य भी ये काम किया है। कहाँ के रहने वाले हैं सर आरोपी?